बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, व्यापारियों का बाजार में चलना मुश्किल हो गया है। आज जो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं अम्फला जानीपुर रोड के ऊपर, वो इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि हमारे अम्फला जानीपुर रोड के ऊपर हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का सड़कों के ऊपर निकलना बंद हो गया है और तमाम व्यापारियों का कारोबार ठप हो गया है। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक की समस्या है, सुबह से लेकर शाम तक शराब की दुकानों पे रश रहता है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम कहना चाहते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पैसा इकट्ठा करने के लिए हमारे समाज को क्यों बर्बाद करने के लगी है? क्या संदेश आप युवाओं की तरफ भेज रहे हैं? हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां अम्फला न्यूकार जानीपुर रोड के ऊपर और शहर की तमाम सड़कों के ऊपर शराब की दुकानें खुलने की वजह से सड़कों के ऊपर इज्जतदार लोगों का निकलना बंद हो गया है। ये कैसी आपने मंदिरों के शहर की आस्था को खराब कर दिया, यहाँ पे शराब की दुकानें खोल करके आज इस रोड के तमाम व्यापारी ये संकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर व्यवस्था को सरकार ने, एलजी साहब ने ठीक नहीं किया तो हम बड़े पैमाने पे जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। सुबह से लेकर के आपने पुलिस को यहाँ पे पीसीआर की गाड़ियाँ, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे, ये ट्रैफिक जाम देख रहे हैं 2-2 किलोमीटर दूर न्यू प्लाट के शहर की तरफ भी और जानीपुर ग्रोटा की तरफ भी ये ट्रैफिक शराब की दुकानें खुलने के ऊपर हुआ है। और इसीलिए आइए सारे व्यापारी एलजी साहब को ये हाथ खड़े करके ये संदेश भेज रहे हैं कि अगर आपने इस ये जो पैसा तो आप इकट्ठा कर रहे हैं, अगर हमारी रियासत को लिक्विड माफिया के हाथों में बेच दिया, हमारी बेटियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, ये नहीं चलेगा।